सो हे गाइज, वेलकम टू द चैनल फैजल आलम ऑफिशियल। गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड काफी लोगों का क्वेश्चन है कि भाई हम कैसे 5 मिनट ट्रायल और 5 मिनट ट्रायल फॉन्ट के अंदर से या फिर थीम स्टोर को फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ में सारे वॉलपेपर्स, थीम्स, फॉन्ट्स को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद परमानेंटली कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी थीम या फिर ऑफिशियल जो हमारे थीम स्टोर है इसकी थीम को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो देखना शुरू से एंड तक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड जो रियलमी यूजर है वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पूरी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आपके फोन के अंदर वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी, बट यहाँ पे 80-90% जो चांसेस है कि आपके फोन के अंदर ये ट्रिक वर्क कर जाने वाली है एंड बहुत छोटी सी ट्रिक है एंड बहुत ज्यादा इजी, आप हर कोई अप्लाई कर सकता है बहुत आसानी से। तो वीडियो को देखना शुरू से एंड तक एंड आज की वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, आप कैसे फ्री में फॉन्ट्स को, थीम्स को, ऊपर से जितने भी हमारे अंदर थीम स्टोर के अंदर जितने भी थीम्स हैं उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं फ्री में। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है एंड वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट जरूर करना एंड कमेंट करके भी जरूर बताना एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप थीम स्टोर ओपन कर लो एंड जैसे आप इसे ओपन करोगे एंड आपको कोई यहाँ पे थीम या फिर फॉन्ट्स आपको पसंद आते हैं, आपको क्या करना है, जस्ट इजिली अप्लाई कर लेना है। होम स्क्रीन पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं आपको बहुत सारी थीम्स देखने को मिल जाएगी, काफी औसम थीम देखने को मिल जाती है, सारी आप फ्री में यूज कर सकते हो, कोई सी भी हो, आपकी गारंटी मैं लेता हूँ आप फ्री में इसे यूज कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना है एंड पूरा लाइव दिखाऊंगा एंड पूरा आपके प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारे फोन के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई थीम डाउनलोड कर लेते हैं जो कि ये वाली थीम है। बात करें इस थीम के रेट की तो ये आपको 35 रुपए में देखने को मिल जाती है, आपको 35 रुपए देने पड़ेंगे, बट आप इसे फ्री में यूज कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है एंड इस थीम को आपको कर लेना है डाउनलोड। तो हमारी जो थीम है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है एंड आपको क्या करना है, 5 मिनट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो हमारी थीम है अप्लाई होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से गेम शुरू होता है, क्या आपको करना है, बहुत सिंपल तरीका है एंड हर कोई इसे यूज कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो यहाँ से थीम स्टोर को पूरा क्लियर कर देना है, यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशन है सबको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन को आपको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर एंड आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऐप इन्फो ऑप्शन, तो आपको इसको क्लिक कर देना है ऐप इन्फो ऑप्शन के ऊपर एंड यहाँ पे आपको जाना है फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन के ऊपर, आपको इस एप्लीकेशन को कर देना है फोर्स स्टॉप। तो जैसे आप इसको करोगे यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, आपका सेकंड स्टेप है स्टोरेज यूसेज वाले ऑप्शन को ओपन करना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इसका जो डेटा है उसे भी क्लियर कर देना है, आपको फोर्स स्टॉप कर देना है एंड डेटा को क्लियर कर देना है एंड आपका यहाँ पे काम हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है सेट एडिट, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, या फिर आप सेट एडिट प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। आप इतना काम कर दिया, अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत इजी, देखने में आपको मुश्किल लगेगा बट बहुत ज्यादा इजी है। अब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो आपको जाना है नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है, जहां से पी वाले वर्ड शुरू हो जाए, पी वाली लाइन, वहीं पे आपको रुक जाना है। तो अभी ओ वाले वर्ड चल रहे हैं एंड पी वाले वर्ड के ऊपर आ जाना है आपको, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपको लाइन ढूंढनी है, परसिस्ट सिस्टम ट्रायल और फॉन्ट का एक ऑप्शन मिलेगा और थीम का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको फॉन्ट यूज करना है तो आपको फॉन्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है एंड थीम यूज करनी है तो आपको थीम लाइन के ऊपर यूज कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी आपको लाइन देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे persist system trial.theme, आप पी वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा persist.system.trial.theme। अगर आप थीम को परमानेंटली बनाते हो तो आपको थीम के ऊपर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडिट करने का, तो आपको इसकी वैल्यू को एडिट कर देना है, एडिट वैल्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 1 लिखा होगा तो आपको यहाँ पे सिंपली 0 लिख देना है, 0 लिखने के बाद आपको सेव चेंज कर देना है, बस आपका यही काम है। एंड उसके बाद अगर आप फॉन्ट को करना चाहते हो, फॉन्ट यूज करना चाहते हो फ्री में, तो फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद आपको थीम स्टोर को सेम उसी तरीके से फोर्स स्टॉप करना है एंड डेटा को क्लियर कर देना, उसके बाद ऐप के अंदर आना है, यहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉन्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे persist.trial.font, यहाँ पे 0 लिखा होगा क्योंकि मैंने कोई थीम यहाँ पे अप्लाई नहीं करी, सॉरी फॉन्ट अप्लाई नहीं किया, इसलिए 0 देखने को मिल रहा है। अगर आप फॉन्ट अप्लाई करोगे पैसे वाला तो यहाँ पे आपको 1 लिखा देखने को मिलेगा, उसे आपको 0 कर देना है एंड सेव कर देना है, जैसे मैंने सेव चेंजेस किया था तो उस तरीके से भी आपको यहाँ पे सेव कर देना है। बस आपका काम हो चुका है एंड आपको क्या करना है, यहाँ से सारे एप्लीकेशन को हटा देना है एंड अपने फोन को एक बार कर देना है रिबूट, बोले तो रिस्टार्ट,
एंड आपको यहाँ पे कर देना इसे रिस्टार्ट। अब हमारा फोन यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आप जलवा देखना क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे आप जो फॉन्ट है और थीम आप फ्री में यूज कर पाओगे, बस यही स्टेप है, इतनी आपको करना है। एंड आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन चीज ये है कि आपको एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना, जो थीम स्टोर है उसे ओपन नहीं करना जब तक आप दूसरी थीम यूज नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अगर उसे ओपन कर देते हो तो थीम स्टोर में सारी वो चीजें चली जाएंगी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आप यूज नहीं कर पाओगे, 5 मिनट वाला फिर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। इसलिए थीम स्टोर को ओपन जब तक नहीं करना जब तक आप दूसरी थीम यूज नहीं करना चाहते। तो ये मेन एक इसका ड्रॉबैक है, बट इसे ड्रॉबैक नहीं करेंगे जब तक हमें यूज करना है, हम ओपन करेंगे ही नहीं उसे, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही काम करना है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे फोन हमारा ओपन हो रहा है एंड यहाँ मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि अभी क्या देखने को मिलेगा हमें। तो अभी टाइमिंग आप देख लो, 1:17 हो रहे हैं एंड 17 से माने तो 1:23 में चेक करेंगे कि हमारी थीम जो लाइव चल रही है या फिर नहीं चल रही है, या फिर इसके अंदर कोई ऑप्शन देखने को मिल गया, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई। तो अब मैं इसे ऐसे रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टाइमिंग। मैं वीडियो को बिल्कुल कट नहीं करूंगा, बस आप वीडियो का मजा लो और देखते रहो। एंड गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम हो चुका है 1:23 एंड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है एंड बिल्कुल ये परमानेंटली हो चुकी है। तो गाइज कुछ इसी तरीके से आप इनेबल कर सकते हो परमानेंटली थीम अपने फोन के अंदर और यूज कर सकते हो थीम स्टोर को बिल्कुल फ्री में एंड फोन को भी फ्री में यूज कर सकते हो एंड परमानेंटली यूज कर सकते हो कोई भी थर्ड पार्टी थीम या फिर ऑफिशियल थीम अपने थीम स्टोर से। बाय द वे गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना एंड कमेंट भी कर देना। एंड गाइज मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।